सीबीआई एक एफआईआर फाइल करती है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और फिनेंस के सारे ऑफिशियल्स पर ये एलिगेशंस लगाए गए कि उन्होंने अपनी पोस्ट का मिसयूज किया और रिलायंस को बेनिफिट पहुंचा। दरअसल हुआ ये था कि 29 मई 1985 को सरकार ने यह अनाउंस किया कि पीटीए को कोई भी बाहर वाली कंट्री से खरीद नहीं पाएगा, उसे पहले पीटीए इंडियन कंपनी से ही खरीदना पड़ेगा। बट साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी रूलिंग निकाली कि जो लोग ऑलरेडी 29 तारीख तक फॉरेन कंट्रीज को पीटीए का ऑर्डर दे चुके हैं वो अगले 90 दिनों तक अपने ऑर्डर ले सकते हैं, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती थी कि इंडियन कंपनीज को नुकसान हो। ऐसा ना हो कि पीटीए के लिए किसी इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंट्री को पैसे दे दिए हो और सरकार की रूलिंग की वजह से उन्हें ये सामान मिले ही ना। अब वाडिया जी को लगा कि पीटीए की इंडिया में क्वालिटी तो अच्छी है नहीं, इसलिए जो भी पॉलिस्टर बना रहे हैं वो सब पीटीए इंडिया से नहीं लेंगे बल्कि उनकी कंपनी से डीएमटी खरीद लेंगे, क्योंकि डीएमटी का यूज करके भी अच्छी क्वालिटी का पॉलिस्टर बनाया जा सकता है। पर वाडिया जी भूल गए कि अंबानी का दाव अभी बाकी है। जिस दिन यानी 29 तारीख को सरकार की जब रूलिंग आई थी तो ये पता चला कि 29 से सिर्फ दो दिन पहले यानी 27 और 28 को किसी ने फॉरेन से बहुत ज्यादा पीटीए ऑर्डर करवा रखा था और ये धीरूभाई अंबानी थे। और ये पीटीए का ऑर्डर कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं बल्कि पूरे